हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। हेलो, आज हम आप लोगों को एक ऐसी सड़क के बारे में बताना चाहेंगे जिसके दोनों तरफ नदी बहती है, यानी बीच में सड़क है, लेफ्ट साइड भी नदी है और राइट साइड भी नदी है। और मज़े की बात कि कोई अलग अलग नदियां नहीं है, एक ही नदी है। एक ही नदी लेफ्ट साइड में भी बहती है और राइट साइड में भी बहती है। अद्भुत सड़क, उसका नज़ारा आज कराएंगे हम आपको। आज हम चलते हैं उसी सड़क को दिखाने के लिए जो सड़क आपके जनपद इटावा में दक्षिण किनारे पर मानिकपुर मोड़ से लेकर के और आपके ग्वालियर रोड को जोड़ती है ये सड़क। और इस सड़क के दोनों तरफ यमुना नदी बहती है। देखिए, मैं उसका नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखिए, सड़क के दो किनारे हैं। हम मैं कैमरे को इधर करता हूँ, देखो ये यमुना जी बह रही हैं, ठीक है। ये हो गया राइट साइड, और इसी के हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये देखिए यमुना जी दिख रही होंगी बहती हुई। ये क्या नाम, यहाँ पर वो यमुना जी का पानी दिख रहा होगा। यमुना जी इधर भी बह रही हैं और यमुना जी इधर भी बह रही हैं। ये देखिए, ये यमुना नदी इस तरफ भी है और इसी को जब हम रोड के इस तरफ देखते हैं तो ये देखिए यमुना नदी इस तरफ भी है। ये अद्भुत सड़क है, अद्भुत नज़ारा है। और दोनों ही तरफ पानी की धार विपरीत दिशा में बहती है, यानी एक पश्चिम से पूरब की तरफ तो दूसरी तरफ पूरब से पश्चिम की तरफ। देखिए, पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके से नहीं, ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं। ये ककोरा एक सब्जी होती है जो छोटी छोटी होती है, जिस पर कांटे टाइप होते हैं, ये उसी को तोड़ते हुए ये बच्चे लगते हैं, तो होते नहीं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब लगते तो कांटे जैसे हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, उसी को तोड़ते हुए ये बच्चे। देखिए, ऐसे घने जंगल में और सुबह सुबह या शाम को निकल जाते हैं ऐसे वो सब्जी बीनने के लिए, ककोरा बोलते हैं आप हमारे यहाँ भाषा में। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहूँ, देखो उसको हम दिखाएंगे, अगर मिल जाता है तो भी दिखा देंगे, शायद आप लोग पहचान सकें। तो उस सब्जी को तोड़ने के लिए ऐसे जंगल में घुस जाते हैं, इसमें सांप बिच्छी कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से जान जोखिम में डाल करके ये लोग सब्जी तोड़ते हैं। बरसात में चारों तरफ हरी हरी वादियाँ दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए कहावत कही जाती है, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा करते थे। बचपन में सोचते थे कि ऐसा क्यों कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन ये चीज़ अब समझ में आती है कि सावन में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, और हरियाली में जो व्यक्ति अंधा हो जाएगा तो उसे यही लगेगा कि चारों तरफ अभी भी हरियाली है। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है और बादलों की भी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है हल्की हल्की। चलो आओ चलते हैं, यहाँ पर एक स्थान है
और वहाँ एक संत रहते हैं, तो उन संत से मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग समाप्त करेंगे। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन बादल भी हैं, बारिश आ गई तो भीग भी सकते हैं। ये हनुमान जी का स्थान, अच्छा ये जारवीर बाबा का मंदिर है। ये बिल्कुल जंगल में, ये महाराज के कितने समय से आप यहाँ पर? 15-16 साल हो गए हैं। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम कानपुर के हैं। हाँ, क्योंकि भाषा आपकी कुछ लग रही है कानपुर साइड की। तो अच्छा, 15-16 साल से आप यहीं स्थान पे हैं। ये देखिए, आप अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं? हमें यहाँ से बनावना पड़े, यहाँ से सब करना पड़े। अगर भगवान जोड़ी मिलाए होते तो काहे गए हम मिलाइता डारे होते। हाँ, ये बात बिल्कुल। प्रभु के लिए कीड़ा की चलो बाबागिरी करो, भजन करो, पड़े चलो भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जायदाद के पीछे परिवार के लोगों ने महाराज जी को मारने की कोशिश की, तो महाराज जी ने घर ही छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। बताते हैं कि 10-11 साल की उम्र से संन्यास ले लिया और बस भगवान के भजन में लीन है, तब से संन्यासी हो गए। आजकल परिवार कोई कुछ नहीं, केवल जायदाद के पीछे पीछे लोग, चाहे परिवार के हो चाहे कोई भी हो, जायदाद के लोग देख गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं गिरगिट, और जायदाद के पीछे लोग इसी की तरह रंग बदलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम सुंदर दास। अच्छा अच्छा, तो आप कानपुर में किस जगह के रहने वाले? सिवली। तो सिवली तो इधर पड़ता है आपके, रसूलाबाद पड़ता है। रसूलाबाद की तरफ? हाँ, रसूलाबाद से जाओ, सीधे चले जाओ, बारामपुर का जरूर। तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था आपकी कैसे क्या होती है? क्या बताएं, आप जैसे गोलक भर दी नहीं हो गुजारा होगा तो। अच्छा, और कहीं से आप भिक्षा अच्छा लाते हैं? भिक्षा लाते हैं। अच्छा, भिक्षा ला के आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये स्थान पहले से था कि आप आए हैं तो आपने ये सर्जित किया? नहीं, ये बहुत पुराना है मंदिर, बहुत पुराना है। हाँ, ये नीचे थे, ये रोड में दबे जाते, फिर गांव वाले जाके ना मशीन आई तो वो मशीन चली है, तो जैसे सोफड़ा लगाओ पहले मशीन गरी गरी से सुना। अच्छा, लीला थी तो मशीन बन गई। अच्छा हाँ, फिर कारीगर आओ मशीन पूरी खोल डाली, 7,000 रुपया लीन थी मशीन वाला। अच्छा, बुलाई। हाँ, अब वो खोल के बांध ही निकाला, चलो चालू करो, चालू नहीं थे। फिर इन्हें बताओगा कि भाई यही है, ये मंदिर है, पुराना मंदिर है, और आप जाइए बताशा लाओ जा गांव से, और अगरबत्ती लाओ, पहले इनकी अगरबत्ती चढ़ाओ और गाड़ी पर चढ़ाओ, फिर इसके बाद जो है गाड़ी में चाबी लगाओ। अच्छा हाँ, तब जाके ना बाल बोले पहले कुछ निकाले होगा आदमी, नहीं चाहिए नहीं मंदिर चमन हो जाते हैं, आवाज इतनी जल्दी नहीं चमन ही रहोगे। तब फिर जाके वो गाड़ी चल चालू कर लगाई चाबी, पाँच ही के लगाई चाबी, भर दे चालू के मिस्त्री 5-7 हज़ार रुपया लेगा, कल चाहता हूँ मिस्त्री 7,000 लेगा। तो फिर इस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया गया? वहाँ से नीचे से जहाँ खड़ी थी। अच्छा अच्छा, वहाँ नीचे से फिर यहाँ स्थापित कर दिया। तो ये उस समय की बात है जब ये सड़क बन रही थी, तब की बात है। जब ये सड़क बन रही मड़ैया किसने रखी? तो ये तो बाबा जी ने खुद रखी। अच्छा।
बेटा हम ही रखी है, अब कहाँ जाते नाचल मलैया उड़ जाए। सही बात, वार गिरे बेटा तो वार साहब करे, बिल्कुल लीची परे वार गिर रहे तो क्या करे नारायण, पल्ली ओले पल्ली ले तो छोटी नहीं है, फिर शांति बे फिर गाँव भाग गए, जला गए जब खूब कापन लागे तो गाँव भाग गए, फिर स्कूल में पढ़े रहे अंदाजी पर, फिर 4 बजे उठे ईंटा तो लेकिन बहुत रखी है नहीं? अब बेटा का बतावन गरीब मैया ना अपने पास जी माना था ना तो का लगा दें 10,000। सही बात, अब दिखाते महाराज जी की जो झोपड़ी रखी हुई है जहाँ निवास करते हैं, किस अवस्था में रह रहे हैं यहाँ पर, बस प्रभु की भक्ति है। ये देखिए ये चारपाई महाराज जी की, यहाँ रात्रि में शयन करते हैं, और यहाँ इन्होंने अपना कुछ रखा है इसमें, जैसे लकड़ी वगैरह रखी है जिससे सूखी बनी रहे, लकड़ी सूखी बनी रहे जिससे भोजन बन जाएगा। और ये यमुना जी के बिल्कुल किनारे, अब क्या कहें, यमुना जी के दोनों तरफ से यमुना जी है, इस आश्रम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यमुना जी बह रही हैं, और उसके बीच में ये झारवीर बाबा का स्थान है। महाराज के कितनी साल की अवस्था से आपने संन्यास धारण किया है? संन्यास धारण तो ये अब 30 से 20 साल बन गया। 20 साल हो गए, पिता गुजर गए। अच्छा, उस समय आपकी अवस्था क्या रही होगी जब आपने संन्यास धारण किया? तब शंकर जी की पुजारी थे। शंकर जी के पुजारी थे, कितने साल के रहे होंगे उस समय? बहुत छोटे रिश्ते थे, इतने से मतलब 10 साल 11 साल हैं? 11 साल से पूजा भजन करन लागे थे शंकर जी। अच्छा, यानी आपने बाल काल से ही संन्यास धारण कर लिया? अपना कोई नहीं, बाल न बच्चे कोई नहीं। और परिवार में कुछ कोई लोग होंगे? परिवार में तो आना राना का लेगा पानी अपना परी है। हाँ, बनने का पानी अपना परी है। सही बात है, कदे का मारो हमें उई जाए, एका मारो हमें हो यो हाल है। आजकल किसी का ना भाई न बंद कोई ना किसी का होता है। बिल्कुल सही बात है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वही भाई है वही बंद है। बिल्कुल सही कहा आपने, ईश्वर के मुकाबले कोई नहीं है। और क्या, हम तुम एक खून के निकले हो चाहे 10 खून के निकले हो, आजकल वो चार जितनी जल्दी मार दे अपना का हो। सही बात है, तो परिवार में आपकी जमीन जायदाद भी कुछ होगी, घर मकान है तो उसका कुछ मिलता है या जाते हैं उसके लिए? नहीं, फिर वो मिलल भाई लत या ले दे कुछ बाहर नहीं है, वे कही देना कुछ बाहर ना। अरे वाह वाह वाह, चलो प्रभु पे आस लगाओ। सारे यहाँ पड़े हैं। हाँ, प्रभु पे आस लगाओ, बिल्कुल सही। भाई भौजाई सलाई करी, दोनों ने दाय पिला दी। अरे हमने कहा अब जिन काम थे भगवान लग गए उनको, उनका पंजा बहुत मजबूत है। बिल्कुल उन्होंने बचा दिया, तो हम कही चलो छोड़ो जो है तो छोड़ो, अब भगवान के लय में लगो। चलो जो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर ही आए। तो जान बची के तो बेटा जन्मदारे ने जो को दे दे तो भला और न दे तो भला। बिल्कुल सही बात है। एक दिन नगरी में जाते हैं, शनिचर का जाते हैं, 2-4 किलो 5 किलो आटा मिल जाती, 8 दिन अपन गुजारा करते हैं। अच्छा, केवल सप्ताह में एक बार जाते हैं? एक हफ्ता में, सप्ताह में एक बार भिक्षा लेने जाते हैं। सही है, आपको केवल क्षुधा शांत करने के लिए भिक्षा चाहिए, आपको और किसी की आवश्यकता नहीं है। निकले कई बार है लेकिन ध्यान नहीं।
फिलहाल कुछ भी हो हम लोग लेते हैं यहाँ व्यू का आनंद, और यहाँ से यमुना जी का व्यू बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। और ये इस तरफ भी देखिए थोड़ा सा बहुत प्यारा लग रहा व्यू। ये देखिए, हालांकि पानी अभी बहुत है यमुना जी में, यहाँ से दिख रहा होगा पानी कम है, पानी कम नहीं है, पानी अभी भी बहुत है। ये आसपास के जो पेड़ आपको दिख रहे हैं पानी के अंदर, ये मान लीजिए पानी में, ये बाढ़ है इस समय, बाढ़ कह सकते हैं इसको। आज का ट्रिप कैसा लगा? कोई दिमाग में कोई प्लान नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, लेकिन प्रभु की कृपा है, घूम रहे थे हम लोग तो कुछ ना कुछ जैसा भी समझ में आया वैसा हमने आपको दिखाया। अब हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और थोड़ी सी बारिश कम होती है तो फिर हम बाहर जाएँगे, बाहर के भी नज़ारे आपको दिखाते हैं, बाहर और प्रकृति से जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए बरसात में भी निकल के आ जाते हैं, प्रकृति का नज़ारा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माता दी।